अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई होम रेमेडी लेकर हाजिर हूँ। इस रेमेडी में हम बात करेंगे कुछ उन लोगों के मुतालिक जो कि अपनी कमर दर्द की वजह से परेशान है। ये अमूमन बीमारी जो है या मसला जो है ज़्यादातर खवातीन में होता है। मेल पर्सन को ज़रा ये बैक बोन पेन जो है ये काम ही उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर मेल पर्सन में से भी किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो वो भी इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। तो आइए रेमेडी की तरफ, अपनी होम रेमेडी की तरफ। आपने क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए एक मिट्टी का प्याला, मिट्टी का ग्लास ले लें, मिट्टी का प्याला ले लें। उसको अच्छा सा धोने के बाद आपने क्या करना है कि शाम टाइम आपने उसको भरना है और भरकर आपने क्या करना है उसको कवर करके रख दें, पानी डालें उसमें और कवर करके उसको बाहर रख दें किसी भी सेफ जगह पे, शेल्फ पे, किचन में शेल्फ पे रख दें, बेडरूम में अपनी साइड टेबल पे रख दें, कवर करके उसको रख दें। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, आपने क्या करना है कि स्पेस हीरा लेना है, उसको आपने क्या कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंड करके उसको भी किसी बर्तन में सेव कर लें। और साथ आपने क्या करना है, थोड़ी सी चीनी जो है वो भी, यानी हमें तीन चीज़ें चाहिए, चीनी चाहिए, स्वेज ज़ीरा चाहिए और मिट्टी के प्याले में या गिलास में पानी चाहिए। अब रात भर के लिए आपने जो पानी रखा हुआ है, सुबह जब आप उठेंगे आपने क्या करना है कि पानी लेना है और साथ ये जो हमारे पास कुटा हुआ ज़ीरा है यानी ग्राइंड हुआ हुआ ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, और आपने क्या करना है आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेना है, उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स करें, यानी अगर आधा चम्मच ज़ीरा है तो उसमें चम्मच का चौथा हिस्सा या उसको मुंह में डालें और पानी, ये कि वो आपने दवाई की तरह निगलना नहीं बल्कि मुंह में डालें इसको और पानी के हल्के हल्के सिप लें, सिप के साथ ये थोड़ा थोड़ा करके आपके अंदर जाएगी ज़ीरा, तो सारा थोड़ा थोड़ा करके पानी सारा पी लें। अगर आप एक हफ़्ता इस रेमेडी को मुसलसल करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाएगी। इस रेमेडी को रूटीन में 1 वीक आप इस्तेमाल करें तो देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी ये बीमारी ऐसी होगी जैसे कभी आपको थी ही नहीं। मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन बात वही कि मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।